28 अगस्त को नोएडा में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को जमींदोज किया जाना है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन इस धमाके की वजह से 7000 परिवारों में दहशत का माहौल है। लोग 27 अगस्त से ही सोसाइटी छोड़कर जाने की तैयारी। अट्ठाईस अगस्त 10 सेकेंड सैतीस सौ किलो बारूद, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ट्विन टावर। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन तय की है, ट्विन टावर के आसपास रहने वाले सोसाइटीज के लोग दहशत में हैं कि आसपास के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कह दिया गया है। लोग इसको लेकर किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इसको लेकर सोच रहे हैं, यही हम उनसे जान लेते हैं कि यहाँ जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं। मैम एक चीज़ जानना चाहूँगा, जानकारी तो होगी इसके बारे में कि ट्विन टावर को जो ध्वस्त किया जाएगा? हर कोई यही कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे मत रहिएगा, आप लोग यहाँ से हट जाइएगा। और बच्चों को भी, मतलब जैसे आज डेमो है तो मेरे पास मेरी कजिन्स के फ़ोन आए कि बच्चों को मत छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग तो ऑफिस में होंगे मगर बच्चों को अकेले घर पे मत छोड़िएगा। सबसे बड़ा सवाल आसपास की सोसाइटी का है। ट्विन टावर के आसपास बनी सोसाइटी जैसे एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले 7000 से ज्यादा परिवार हैं, जिन पर कोई खतरा ना हो इसलिए इन परिवारों को पहले ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, इनकी तो बात मैंने सुन ली है, लेकिन वही है, एक थोड़ी सी टेंशन तो है कहीं ना कहीं? टेंशन तो बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारा टावर तो और पास में एस्पायर वन है, बिल्कुल नियर बाय है, तो प्रॉब्लम तो है, सबके लिए है। तो अच्छा है कि सब कुछ ये ध्यान से किया जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। धमाके के बाद आसपास की सोसाइटी में रह रहे इन लोगों को जांच की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसे लिफ्ट, बिजली और गैस की चेकिंग होगी और सब कुछ ठीक होने पर ही इन्हें इनके घर जाने दिया जाएगा। मतलब सवाल सिर्फ ट्विन टावर का नहीं, आसपास की सोसाइटी का भी है। इतना ही नहीं, अपार्टमेंट्स और उसके बाहर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें एनिमल एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा रहा है। डॉग्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो आगे आए हैं और उनको यहाँ से शिफ्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए कि जो यहाँ से अभी जो तीन स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहाँ से पकड़े जा चुके हैं और आसपास के कई और स्ट्रीट डॉग्स हैं। इन लोगों का ये कहना है कि चूंकि जब यहाँ पर ब्लास्ट होगा, धूल के कण यहाँ पर उड़ेंगे, आसपास कोई नहीं रहेगा, ऐसे में इन स्ट्रीट डॉग्स के आगे जो तमाम परेशानियाँ हैं, तमाम दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। ऐसे में इन लोगों ने यहाँ पर जो मेडिकल एम्बुलेंस है उस मेडिकल एम्बुलेंस को बुलाया। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार की भी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो वो ट्विंस बिल्डिंग जो गिरेगी बिल्डिंग वो उसी तहत गिरेगी और जिन लोगों का पैसा फंसा है उनकी बाकी की जो संपत्ति है उसे बेच करके उन लोगों को पैसा अदा करने का काम सरकार कराएगी। जिस समय ब्लास्ट के जरिए दोनों टावर को गिराया जाएगा उस समय धूल का गुबार कई किलोमीटर तक जाएगा। इस मलबे को हटाने में 90 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि ट्विन टावर में 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो एक बड़े पहाड़ की तरह होगा, जो जब तक साफ होगा लोगों को हर रोज धूल से दो चार होना पड़ेगा। नोएडा से बीपी गंगा के लिए सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।